हो गया आपको याद? मीठी याद हो गया? I'm just revising it. कर लेंगे आप बेटा, फिनिश कर लेना है आपने, उसके बाद आपने मेडिसिन लेनी है। याद है कितने बजे ली थी पहले? 4 आवर के बाद दोबारा लेनी है, तो ये खा लें तो उसके बाद याद से ले लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सब के? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरे मीठे का रोज़ा नहीं है इसलिए खा रहा है, फीवर हो गया था मेरे मीठे को रात से। अल्लाह ताला सेहत दे, मेडिसिन ली है। अब मौसम बड़ा प्यारा है बाहर, इस तरह गर्मी नहीं है, बेशक धूप भी है ना, और कपड़े भी मैंने रात के ये वाश किए हुए, हवा चल रही है देखिए हल्की हल्की। ये मेरे पुदीने को पता नहीं क्या हो गया, नीचे नीचे से जल गया, ऊपर से ठीक है। मुझे लगता है बच्चों ने पानी ज़्यादा दे दिए, रबी और रमदान आजकल इनके पीछे लगे हुए हैं ना, पहले तो अरसी होते थे वो इनको मना करते थे कि ज़्यादा पानी नहीं देना। और ये मिर्च भी मेरी एक रह गई थी वो रेड हो गई है, अभी इसके बाद तो अभी मिर्चें लगी ही नहीं इस पर। तो इस टाइम मैं अपने पौधों को भी ना एक दफ़ा देखती हूँ शाम को, और एक दफ़ा सुबह जब मैं उठती हूँ मेरी आँख खुले तो धूप में मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं लग रही, पानी देने वाला हो तो वो देती हूँ। और इतनी प्यारी मेरी गुलदुपहर हुई है, इतने प्यारे इसके फूल लगते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कितने अच्छे कलर के फूल, ये कलर सुभान अल्लाह कितने प्यारे कलर के फूल लगे हुए हैं। मैंगो जा, और इसका कलर देखें। अब मैं सोच रही हूँ एक और कलर की भी आती है, अब सी आएंगे ना तो नर्सरी जाऊंगी तो वहाँ से दूसरे कलर की भी ले आऊँगी। कितने अच्छे लग रहे हैं अब, क्योंकि दिन में मैं वो पौधे अंदर रख लेती हूँ ना, तो ये फिर ये तो है ही धूप का पौधा, ये बाहर ही रहता है, तो सोच रही हूँ मैं और लेके आऊँ दिन के धूप के लिए। इस टाइम गाड़ियों का रश, रोड देखें, इसलिए इस टाइम शोर ज़्यादा होता है। मैंने कहा इफ्तार के लिए कुछ तैयारी कर लूँ, और मैं रात को गई थी पाकिस्तानी मार्केट, चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, ये ले आई हूँ मैं कुल्फा पिस्ताशियो फ्लेवर में, इसमें स्टैंडर्ड भी एक आता है, ये लजीज़ा का कुल्फा, ये बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी ज़रूर। ये मैं पाकिस्तानी मार्केट से लाई हूँ, ये कस्टर्ड यूज़ करती हूँ मैं बनाना फ्लेवर में ग्रीन, सलार बड़े शौक से खाता है, ये भी ख़त्म हो गया था ले आई हूँ। रस मलाई लाई हूँ, ये भी स्टैंडर्ड लाई हूँ एक, और एक पिस्ताशियो वाली ना, ये दोनों लाई हूँ, दोनों ही अच्छी लगती हैं। ये इसमें तो ऑफ़र उन्होंने लगाई हुई थी, ये मुझे एक 150 दिरहम कम मिली है, और ये इसकी प्राइस ज़्यादा थी। और ये जी आलू बुखारा लाई हूँ, मैंने कहा मीठी चटनी बनाएंगे, इस दफ़ा हमने रमज़ान में बनाई ही नहीं चटनी, बस अभी चले गए सलार भी चला गया, तो मैं अपने लिए फिर इतने तकल्लुफ़ नहीं करती। और ये एक सुपर मार्केट थी, उससे मैंने ना ये लिए हैं स्कूप टाइप डालने के लिए चीनी, और मुझे अच्छे लगे तो ये मैंने लिए 350 दिरहम के। दारचीनी, कहवा वगैरह, बच्चों की आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये पुदीने का कहवा जो होता है ना, उसमें ये दारचीनी पुदीना और ये डाल के ना बड़ा अच्छा बनता है। और ये मैंने आपको दिखाए नहीं थे, ये मैं लेके आई थी ना, दिखाती हूँ आपको, ये बाउल लेके आई थी, ये 399 के 3 मिले, मीन के 4 दिरहम के 3। इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक ग्रीन वाइट भी, लेकिन वो मैट कलर थे अच्छे नहीं लग रहे थे, ये फिर मुझे ऑफ वाइट अच्छे लगे तो ये फिर मैंने 6 ले लिए, मैंने कहा 3 क्या लेने हैं, तो ये 399 मीन 8 दिरहम के मुझे 6 मिल गए। तो ये भी मैं पहले ले के आई थी, मेरे माइंड में नहीं रहा आप लोगों के साथ शेयर करना। बाहर धूप लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है, तो समझ ही नहीं आ रही कि आज मैंने बनाना क्या है। अब बच्चों से पूछती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही रोज़ादार हूँ ना, उधर ब्याह का ना रमदान का रोज़ा है, तो आज ही देखते हैं क्या इफ्तार में बनता है। उधर ब्याह स्टडी करने लग गई है, मैंने कहा मैं वैक्यूम कर लूँ, बालकनी मेरी इतनी गंदी हुई पड़ी है ना, मैंने अभी सारे मैट उठा के, और पौधों को भी ना मैंने पानी देना है आज, और मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी चेंज करनी है। ये मैंने मिट्टी रखी हुई है सॉइल,
तो ये भी मैं ना वन मंथ में जब इनमें से ना थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, जब पानी देती हूँ ना निकल ही जाती है पौधों में, तो ये फिर मैं ना डाल लेती हूँ। तो अब मैंने कहा ये भी मैं डालती हूँ। ये मैं इस तरह से सॉइल ना इसके अंदर डालती रहती हूँ, फिर साथ साथ थोड़ी थोड़ी निकलती है ना तो कम हो ही जाती है गमले से, ऊपर से गमले फील हो जाते हैं खाली खाली। तो आज मैंने कहा ये काम भी कर लूँ। ये मेरा कभी कभी ऐसी चीज़ों पे मूड बनता है, और जिस दिन ध्यान आ जाए ना, हर्षी भी मुझे कहते हैं जिस दिन मेरी बेगम को ख्याल आ जाए ना, बस फिर पौधों की नहीं खैर। तो आज फिर इनका मुझे ख्याल आया, तो ये मैंने डाल के ऐसे हल्की हल्की प्रेस करके तो पानी अब इनको दूंगी ऊपर से। गर्मी लगने लग गई है, हालांकि हवा चल रही है, फिर भी मेरा सांस फूल गया। वैक्यूम मैंने लगाया है, उसके बाद ये मॉप मैंने ना बालकनी के लिए रखा हुआ है मैनुअल, इसके साथ ये बॉटल है, बॉटल उतार के तो रिफिल कर लेते हैं, ये गंदा हुआ पड़ा है, ये फिर मैं बाहर लगाती हूँ, ये अंदर नहीं लगाती, ये सिर्फ बालकनी के लिए रखा हुआ है। बड़ा अच्छा है ये भी, तो इससे मैंने अभी मॉपिंग कर ली है एक दफ़ा, उसके बाद फिर यहाँ वाले मैं डाल दूँगी। वीक में एक दफ़ा कर लेती होती हूँ, कितना साफ हो गया माशाल्लाह, साफ सुथरी। ये वाले मैट इधर के लिए रखे हुए हैं ग्रे, मैट डाल लूँ साइड पे। माशाल्लाह मेरी मेहनत, अभी ये क्लीनिंग हो गई है बिल्कुल साफ। बस ये गुलदोपहर ही बाहर रहने देती हूँ, बाकी सारे पौधे ना दिन में अंदर रख लेती हूँ गर्मियों में। तो अब ये साफ हो गई है जी, अब पौधे किचन में ही हैं, उनमें सॉइल डाली है, एक दफ़ा पानी दूंगी उनको। बाहर से वैक्यूम अभी कर लिया मैंने क्लीनिंग, देखिए ज़रा अब किचन में देखूं, किचन में साथ साथ मैंने उनको पानी दिया पौधों को, और ये इधर रखे हैं, अभी इधर ही पड़े रहेंगे क्योंकि इनके अंदर से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है ना, तो बाद में इनको मैं बाहर रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से मिट्टी निकलती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, वो फिर कम हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ और ऐड कर लेती हूँ। तो अब मैं किचन से भी वैक्यूम करती हूँ, बाहर से भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आ ही जाती है कहीं ना कहीं से ना, छोटे छोटे पीसेस, वो मुझे उलझन होती है। तो मैं आज मुझे सुबह सुबह ये भी रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाहर धूप है गर्मी में, हालांकि मैंने कहा मैं सुबह सुबह बालकनी क्लीन कर लेती हूँ। हम धान दबिया किधर है भाई, किधर है, अंदर है देविया, सुनी नहीं रही, देविया ने हेडफोन लगाया हुआ है। हमदान आप क्या करें बेटा, काम करें, अच्छा चले करें काम। मैं दिन में फिर पौधे इधर रख लेती हूँ ये टीवी यूनिट पे, अच्छे भी लगते हैं। बस यहाँ हैं, इनकी अभी जगह बनवानी है इंशाल्लाह, अरसी आ जाएंगे ना तो टाइम ही नहीं मिल रहा, बाहर गर्मी होती है ये ख़राब हो जाते हैं, ये बेसिकली इनडोर ही प्लांट है। तो अब मैंने इनको किचन से यहाँ शिफ्ट कर लिया है, वैक्यूम बस ये थोड़ी सी जगह पर रह गया, किचन से भी लगा लिया है, ये किचन भी साफ़ सुथरा हो गया। मैट मैंने अभी मशीन में डाले हैं, मैं सिस्टर पूछती हैं मैट कैसे वॉश करती है, मैं वॉशिंग मशीन में ही करती हूँ मैट वॉश, ख़राब नहीं होते, हो जाते हैं। और एक मेरे सिस्टर ने ना मुझसे पूछा था कि ये जो वैक्यूम है इससे आप ब्रश भी लगा लेती हैं जी, ये जो इसका बना हुआ है ना आगे वाइपर सा, ये इससे ब्रश का भी काम होता है, मीन के मैं झाड़ू वगैरह या दूसरा ब्रश नहीं लगाती, मैं इसी से ही डस्ट करती हूँ, उसके बाद मॉपिंग कर लेती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन हूवर ये का मैंने तो लिया था, बाद में ना ये उसका ब्रांड मेरे अभी माइंड से निकल गया है, सॉरी, वो हिटाची का, वो बड़ा अच्छा आया था, वो मेरी एक सिस्टर ने लिया है, फैमिली फ्रेंड्स ही है मेरे, तो वो बड़ा अच्छा है 2200 वाट का ना, तो इससे बेस्ट मैं वो आपको ना रिकमेंड करूँगी कि आप वो लें, वो थोड़ी सी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, 100 दिरहम ज़्यादा होगी, लेकिन वो इससे ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ ये भी ठीक है, अब मुझे 1.5 साल हो गया, ये बेचारा बड़ा रफ भी यूज़ होता है बाहर बालकनी में, हर तरफ जहाँ भी है मैं इसी से ही करती हूँ। तो अब बस मैंने कर लिया है हुदैबिया, तो अब खुशबुएँ घर में फैलाना शुरू कर दी हैं, एयर फ्रेशनर वाशरूम में भी और किचन में भी, और हर तरफ बस हुदैबिया ने ना अब ये करना है एयर फ्रेशनर।
अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने सोचा है कि बनाना क्या है, बस यही सुबह सुबह टेंशन लग जाती है। और हूँ भी सिर्फ मैं ही ना, हमदान की सेहत ख़राब है, उसने ऐसा कुछ खाना नहीं है। फिर मैं उन बच्चों को उनके माइंड में रख के कि हमदान ने क्या खाना है तभी मैं कुछ बनाती हूँ। तो आज मैंने ना अभी माइंड बनाया है, ऐसे ही खोला है तो सामने ये मूंग की दाल आ गई है। मैंने कहा ये अच्छी है, साथ उबले हुए चावल ना वो बना लेती हूँ। तो अभी ये भगो दूँगी ना, शाम को बनाऊँगी, सही अच्छी बनेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, दाल हो कुछ भी हो भगो देती हूँ, तो उसके बाद ही फिर बनाती हूँ, फुल डे चाय भगो के रखूँ। चलें जी ये भी फाइनल हो गया कि आज क्या बनाना है, टेंशन ख़त्म हो गई। हमदान भाई कितने थे अभी, अंदर है? चलें, हमदान की सेहत ख़राब हुई हुई है। हमदान मेडिसिन ली है, वो दूसरी मेडिसिन ली थी। और जो शांदा बना तू अभी बता, शांदा मैं बनाती हूँ। हाँ देवी भाई के लिए शांदा बनाएं और ये लाइटें ऑफ करें। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि आजकल क्या चल रहा है हमारी डेली रूटीन में। दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। मिठियाएँ जो शांदा भाई को बना देते हैं, जो शांदा का वो साशे दूसरा जो मंगवाया था वो किधर है? मैं तो सुबह ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। वो पानी ले आए ना, बॉइल करते हैं पहले। मैं इसमें पानी फिल करूं? वन कप सिर्फ पानी चाहिए।